उन्होंने ये मुकदमा मेरे ऊपर एक साजिश रच करके, एक फैब्रिकेट करके लिखवाया। आज हमारा 313 बयान बनना था, तो एक जो हमारे साथ सह अभियुक्त हैं इस केस में, उनके पिताजी का देहांत हो गया है, इसकी वजह से वो आ नहीं पाए और आज बन नहीं पाया। सब कुछ न्याय के अंतर्गत होना चाहिए, जो सही है सही के हिसाब से होना चाहिए। हाँ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस तो बढ़ती जा रही है लगातार। देखिए, ये सन 2002 में हमारे ऊपर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और उस समय ये विधायक थे, इन्होंने सरकार समर्थन दिया था, उसमें फर्जी घटना रचित करके अपने सुरक्षा प्राप्त करने के लिए वाई कैटेगरी इन्होंने मुकदमा मेरे ऊपर लिखवाया था। क्योंकि उस समय, उसके पहले भी 1996 जो नाना हमारे सांसद थे जौनपुर से, इन पे 50,000 रुपये के नाम घोषित हो गया था, फरार थे, तो हमारे नाना ने उसमें इनकी मदद नहीं किया था और लगातार फरार रह के अपराध पर अपराध करते रहिए। और जब ये विधायक बने, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, उसको इन्होंने समर्थन दिया निर्दलीय रूप में, अल्पमत की सरकार थी, तो उन्होंने ये मुकदमा मेरे ऊपर एक साजिश रच करके, एक फैब्रिकेट करके लिखवाया, अपना बदला लेने के लिए भी और वाई कैटेगरी सिक्योरिटी प्राप्त करने के लिए भी। किस तरीके का बदला लेने के लिए मुकदमा? आज जो हमारे परिजनों ने इनकी मदद नहीं किया 50,000 रुपये इनामी होने के बाद। आज पेशी के दौरान क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं, डेट पड़ गई 11 तारीख।